चुनाव को देख रहे हैं, 10 सीटों पर मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश। 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसके पीछे प्रधानमंत्री जी ने इन सभी लोकसभाओं पर या तो सीधे आए या कम्बाइंड रूप से 2 लोकसभाओं का रैली की है, और उसका और मुख्यमंत्री जी लगभग हर लोकसभा में 2 या 3 बार आए हैं। तो केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाएं, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, और संगठन ने भी कमाल की मेहनत की है इस सबकी वजह से। और लोग अब सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा या फाइनल रिपोर्ट, चार्टर्ड, बंदूक के लाइसेंस से थोड़ा सा ऊपर उठ के भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, सुपर पावर बनाने के लिए और विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में, उसी चरण में चुनाव है, नहीं पहले भी लड़ चुके हैं और हार भी चुके हैं, जिसमें डिंपल यादव 2 जगह हार चुकी हैं। मजेदार बात है, हारने की बात नहीं होती, जैसे मैं फिरोजाबाद हारा तो वो हार मेरी हार इसलिए नहीं कहलाएगी कि मैं उनके क्षेत्र में जाकर के लड़ा, लेकिन अपने क्षेत्र में डिंपल यादव हारी हैं, धर्मेंद्र अपनी बदायूं हारे हैं, अक्षय यादव फिरोजाबाद हारे हैं, बीएसपी से अच्छा ये गठबंधन एक दूसरे को गाली देने वाले, एक दूसरे के अपोजिट हत्या करने की प्रयास करने वाली पार्टियां केवल मोदी जी की लोकप्रियता से एक हुई थी, उसके बावजूद तो अब तो अखिलेश यादव पछता भी रहे होंगे कि ऐसे गठबंधन से क्या फायदा कि बहन जी ने तो अब 10 जिता लिए और हमारे परिवार के 3 हार गए, इसीलिए गठबंधन टूटा था। आपकी लोकसभा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं किसको सामने मान रहे हैं, किसको देख रहे हैं? ईमानदारी की बात है, आपको भी पता है कि कोई सामने वामने है नहीं है, अभी 7:30 या 7:45 हो रहे होंगे, जो 11 बजे तक इलेक्शन हो जाएगा, 11 बजे के बाद जो भी मतदान होगा वो निकटतम प्रतिद्वंदी से, निकटतम तो यहाँ तो निकटतम शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दूरस्थ प्रतिद्वंदी से बस 11 बजे के बाद जो मतदान पड़ेगा वो लीड बढ़ाने वाला होगा। अगर कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें और 400 पार का नारा, उत्तर प्रदेश में कितनी, दोनों बातें सही होंगी, जनता सिद्ध करेगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.